मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिखा श्रीवास्तव आज आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो लेकर आई हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो आपको करना है लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। बारिश का मौसम आते ही मार्केट में गीली मूंगफलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और हमें सीज़न की सभी चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। वैसे भी मूंगफली बहुत फ़ायदा करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, इसलिए कुछ मात्रा में हमें थोड़ी सी मूंगफली ज़रूर खाना चाहिए। और ये जो गीली वाली मूंगफली आती है, जो नई उग कर आती है बिल्कुल मार्केट में ताज़ी ताज़ी, उन मूंगफलियों को जो कि हम ज़्यादातर ठेले से खरीद कर सिकी हुई खाते हैं, आज मैं बता रही हूँ कि घर पर हम मूंगफलियों को किस तरह से सेकें। तो मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है और कुकर में जितनी मूंगफली मुझे भूनना है, सेकना है, उतनी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा लिया है और एक सीटी हम बजा लेंगे। एक सीटी बजाने के बाद मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भून जाएगी। तो कुकर को मैंने रख दिया है, बीच बीच में आप इसे हिला जरूर दें दोस्तों, ताकि जो मूंगफली, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से सिके, चारों तरफ से सिकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने दो बार कुकर को इस तरह से ऊपर नीचे कर दिया, हिला दिया, उलट पुलट कर दिया है, ताकि जो मूंगफलियाँ हैं वो चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से भून जाएँ। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा दोस्तों इसकी एक सीटी होने पर, और उसके बाद हमें इसे धीमी आंच पर ही कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि और अच्छी तरह से ये चारों तरफ से सिक जाए। बस बीच बीच में एक दो बार कुकर को ज़रूर हमें हिलाना है, जिससे कि मूंगफली चारों तरफ से भुन जाए। गीली मूंगफली वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और सिकी हुई मूंगफली तो फिर बात ही कुछ अलग है, और ख़ासकर बारिश के मौसम में तो इसका स्वाद ही कुछ अलग ही रहता है। तो करीब करीब एक सीटी होने आई है दोस्तों, और अब मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी। दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, एक हम कुकर में बना रहे हैं, दूसरा है जो छन्नी होती है, सभी के घर पर होती है। आप चाहें तो छन्नी की जगह तवा भी रख सकते हैं दोस्तों, परंतु छन्नी में थोड़े छेद होते हैं, होल होते हैं, जिसके कारण मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भुन जाती है। तो मैंने अपनी ऐसी ही जो छन्नी पड़ी थी मेरे घर पर, तो उसी में मैंने मूंगफली डाल दी है और बस सरसी से पकड़कर चम्मच की सहायता से सेक रही हूँ। इस तरह से सेकेंगे तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको सिकने में। आपकी स्टील की छन्नी जरूर गंदी जरूर हो जाएगी, थोड़ी सी जल जरूर जाएगी, परंतु आप उसको नींबू और नमक से छन्नी को साफ कर सकते हैं, तो स्टील के बर्तन हमारे वापस चमकदार हो जाते हैं। परंतु मान लीजिए छन्नी नहीं है, तो आप इसकी जगह तवा भी रख सकते हैं। तवे में मूंगफली रखें और तवे को अच्छा तेज़ गर्म कर लें और इस तरह से मूंगफली को सेक सकते हैं। तो चाहे कुकर में सेकें, चाहे छन्नी में सेकें, या आप तवे में मूंगफली को भून सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, 3 से 4 मिनट हुआ है, मूंगफली बहुत ही तेज़ी से, छन्नी में तो बहुत तेज़ी से सिकती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से उसे गर्म हवा मिलती है, छन्नी में छेद होता है, इसलिए बहुत जल्दी सिक जाती है। तो ये हमारी मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है दोस्तों, अब आप इसे खाएं और बारिश का आनंद उठाएं। आप इसे चाहें तो नमक के साथ भी कई लोग खाते हैं, पर हमारे यहाँ इसे गुड़ से खाया जाता है। गुड़ और ये भुनी हुई मूंगफली का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो दोनों गैस के बर्नर चालू हैं, एक तरफ मैं छन्नी में आपको सेक के दिखा रही हूँ, कुकर वाले में ज़रूर हमें टाइम लगता है, कुकर वाले में थोड़ा सा सिकने में हमें टाइम लगता है। अब ये जो मैंने छन्नी में सेकी है उसे आपको खोल कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कच्ची मूंगफली के दानों का कलर बिल्कुल अलग था और इस मूंगफली के दानों का कलर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये भुना गई हैं। तो इस तरह से आप भी तवे पर भी सेक सकते हैं, छन्नी पर भी सेक सकते हैं, या आप कुकर पर भी मूंगफली को भून सकते हैं। तो एक सीटी के बाद 5 मिनट मैंने इसे और रखा था। अब देखते हैं हमारी मूंगफली के हाल चाल क्या है। आप देख सकते हैं मूंगफली करीब करीब हमारी सिकने आ गई है, ये देखिए, आपको इसे भी खोल कर दिखा रही हूँ मैं। तो एक सीटी में भी जो भाप बनी है दोस्तों, उससे ये पक बहुत अच्छी तरह से गई है। मूंगफली को भी मैंने 2 बार पानी से धो लिया था, तो मूंगफली में भी थोड़ा सा मॉइस्चर तो होता ही है, और वैसे भी ये गीली मूंगफली है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सिक गई। बस एक दो बार कुकर को हिला लेना है। तो दोनों ही तरह से आप भुनी हुई मूंगफली को घर पर तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये गर्मा गर्म जो हमारी मूंगफली सिक चुकी है, आप इसे गुड़ के साथ खाकर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूंगफली की रेसिपी कैसी लगी, वीडियो मेरा कैसा लगा और आप लोगों ने इसे सेका या नहीं। तो इस मूंगफली को भी तोड़कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसके दानों का कलर बिल्कुल बदल गया है। कच्ची मूंगफली का कलर बिल्कुल गुलाबी था और ये भुनी हुई मूंगफली का कलर एकदम अलग है। और अब आप इस भुनी हुई मूंगफली को गुड़ के साथ खाकर देखिए।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।